इस वक्त की जहाँ बड़ी खबर मैं आपको नुशारा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक नोटों का ढेर लगा हुआ है, और ये मैं तस्वीरें आपको सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहाँ है नोटों का ढेर लगा हुआ, और अभी भी जो है लाखों रुपए जो है इस क्रेट में भरे हुए हैं। आपको सामने तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये दो क्रेट हैं, लाखों रुपए जो है इस क्रेट में और लिफाफों में भरे हुए हैं। पैसे आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ नौशहरा का एरिया है। ये तीसरा क्रेट भरने की कोशिश की जा रही है, और ये मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्या वाकया पूरा हो। ये देखिए किस तरीके से सौ सौ के गड्ढे हैं यहाँ पे, और पैसे देख सकते हैं किस तरीके से। तमाम वो लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात भी करेंगे। सुरेश जी क्या कहेंगे, ये मामला क्या पूरा क्या कहेंगे? सर मामला ये है कि म्युनिसिपैलिटी को यहाँ से ये सामान उठाने की परमिशन मिली थी, जो यहाँ से झोपड़ी में माई जी रहते थे ना, उनको वृद्ध आश्रम वाले ले गए उठा के, तो म्युनिसिपैलिटी को ड्यूटी मिली थी कि यहाँ से साफ सफाई करनी है। वो जब ये म्युनिसिपैलिटी वाले बंदे यहाँ आए तो उन्होंने देखा ये खोलने शुरू किए लफाफे, तो नोट निकलना शुरू हो गए बीच में से, और ये क्रेड आपने दिखा दिया, एक क्रेड ये है, एक क्रेड ये भर रही है, ये खेले कम से कम ये लाखों रुपए माई जी ने इकट्ठे कर रखे। तो बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, ये कहां कि मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पे ये दो क्रेट जो हैं, 100-100 की गड्डियां और 500-100 की गड्डियां, 10-10 की गड्डियां लगातार यहाँ पे बरामद हुई है। तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लाखों रुपए इस दोनों तीनों क्रेट में भर चुके हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को सोशल डिस्टेंस करना चाहिए, लोग यहाँ से दूर होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है इस वक्त नौशहरा से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से मोमी लिफाफे में जो है लाखों रुपए इकट्ठे करके रखे हुए थे, किस तरीके से जो है आप ये तस्वीरें इस वक्त सामने देख रहे हैं। हम इस वक्त लाइव आपको दिखाने की, पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है, और किस तरीके से म्युनिसिपल विभाग के जो कर्मचारी हैं और पिछले काफी देर से जो है लगे हुए हैं, ये देखिए, और इतना पैसा निकल रहा है, किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला थी, बुजुर्ग महिला जो यहाँ पे सालों से यहाँ पे रहती थी, उसको जो है वृद्ध आश्रम वाले उठा के ले गए। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, और इतने जो है पैसे इस वक्त कहाँ पे कैसे पहुंचे, और ये एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है। अब इस वक्त की जो है छानबीन करनी बहुत जरूरी है, और ये देखिए किस तरीके से आपको बता दूं कि ये नोटों के ढेर किस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये पोटलियां खुलती हुई नजर आ रही है, और बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखिए ये भी यहाँ पे क्रेट भरा हुआ है, मैं भाई साहब को बोलूंगा दूसरा क्रेट दिखाएंगे। ये देखिए ये दो नंबर का क्रेट और तीसरा क्रेट अभी भरा जा रहा है, यहाँ के पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये चिल्लर भी है, ये देखिए ये चिल्लरों का पूरा यहाँ पे एक थोड़ा लिफाफा भरा हुआ है। इस वक्त मैं ये तस्वीर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नौशहरा वार्ड नंबर 9, यहाँ पे आपको बता दो कि वेटनरी हॉस्पिटल के सामने है, यहाँ पे जो महिला एक वृद्ध महिला रहती थी, पिछले कई सालों से रहती थी, वो मांग के गुजारा करती थी, हमने भी जो लॉकडाउन में उनको काफी हेल्प की है, खाना भी दी है लोगों ने। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से पोटली पर पोटली खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए ये एक विचलित करने वाली तस्वीर है, क्योंकि लाखों रुपए जो है इस दोनों पोटलियों से हर पोटली से निकल रहे हैं, लेकिन कपड़े नहीं मिलेंगे आपको, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे जरूर मिलेंगे। यहाँ की हर पोटली में हर लिफाफे में पैसे हैं, लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये झोपड़ी थी, इस झोपड़ी के अंदर ये महिला रहती थी, ये तस्वीरें आपको सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीर बहुत ही आपको चौंका देगी ये तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक अमीर आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता, ये एक वृद्ध महिला थी यहाँ पे रहती, और बुजुर्ग महिला थी, वो 25-26 साल से यहाँ रह रही थी, लेकिन मांग के गुजारा करती थी, हर घर से खाना खाती थी। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जिस तरीके से म्युनिसिपल विभाग की तरफ से यहाँ पे इनका सामान उठाने गए थे, वो आज एक यहाँ पे दिखाई दिया कि ये महिला जो है इसके पास से पैसा कितना निकला है, एक गरीब थी, भिखारी थी। तो ये तस्वीर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितने पैसा है यहाँ पे। सर क्या कहेंगे, 25 साल से यहाँ रह रही थी महिला और इतना पैसा निकला है? 25-30 साल से यहाँ रह रही थी बेचारी, मांगती थी एक एक दो दो रुपए, 5-5-10 और लाखों रुपए इसने इकट्ठे किए, खाया कुछ नहीं है इसने, सब पैसे इकट्ठे करके यहाँ रखे हैं, और ये फिर भी मांगती थी लोग खाना। क्या लगता है आपको कि ये पैसे इसकी मेहनत की मांग के लिए है? मांग कर किए है, मेहनत की कमाई है, और यहाँ भी इसको ले गए हैं, ये पैसे उसको दिखाने चाहिए कि तुम्हारे इतने पैसे हैं, वरना इसकी जो ध्यान है वो पैसों में ही होगा।
क्योंकि एक एक रुपया दस दस रुपये दो दो रुपये इकट्ठे करके इसने यहाँ इकट्ठे किए हैं। अब वरीद आश्रम वाले इसको उठा के ले गएंगे, लेकिन उन्होंने कल काफ़ी रो रही थी और उसको ये सामान साथ ले जाना चाहिए था, ठीक है ना, ताकि इसका हिसाब किताब हो और ये जो पैसा है सही कहीं वृद्ध आश्रम में खर्च हो। तो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको नौशहरा के वार्ड नंबर 9 यहाँ के वेटनरी हॉस्पिटल से दिखाने के लोगों का जमावड़ा देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और ये तस्वीर आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, चौंका देने वाली तस्वीर इस वक्त मैं नौशहरा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बुजुर्ग महिला थी जो पिछले 25 साल से यहाँ पे नौशहरा में रह रही थी और उसके आज उसको कल देर शाम उसको वृद्ध आश्रम वाले यहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद जो है म्यूनसिपल विभाग को जो है सौंपा गया था कि इसका जो है सामान लिए सामान उठाया जाए, लेकिन जब सामान उठाने म्यूनसिपल विभाग के कर्मचारी पहुँचे तो ये कुछ और ही नज़ारा था। 25 साल इसने भीख मांगी और 25 साल के जो पैसा था जो पैसे इसके फोन में जमा होने चाहिए, ऐसे मांगती रही है लोगों से, मांग के पैसे इकट्ठे किए हैं, इसके फोन में जमा होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होंगे, क्योंकि कोई ये चोरी का पैसा नहीं है, अपना पैसा है, मांग करके पैसा खा रही है, इसके पैसे इसके फोन में जमा होने चाहिए। अभी वृद्ध आश्रम वाले इसको उठा के ले गए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या इसका जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, किस तरीके से होगा, यूटिलाइज होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तहसीलदार साहब आ रहे हैं मौके पे, वो एज ए म्यूनसिपलिटी के यू साहब भी हैं, ये म्यूनसिपलिटी की टीम लगी हुई है पूरी, यही छानबीन कर रही है पैसे की और इसकी पूरी इंक्वायरी होगी क्या करना है, इस पैसे का क्या नहीं होगा, ये पूरी डिटेल बनेगी इसकी कितना पैसा। तो ये तस्वीर है इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर ये यही है कि एक 25 साल से एक बुजुर्ग महिला यहाँ पे रहती थी और आपको बता दें कि वो खाना भी कम खाती थी, लोगों से मांग मांग कर एक पाई पाई जोड़कर उसने यहाँ पे इतना पैसा गठा, लाखों रुपया यहाँ पे गठा किया है। ये तस्वीर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बड़ी तस्वीर है, क्योंकि एक ये देखिए किस तरीके से हर पोटली के अंदर से पैसों की यहाँ पे बौछार होती नजर आ रही है और ये 25 साल की कमाई, मेहनत की कमाई, मान लो कि लोगों के घर घर जाके भीख मांगी थी उसने और आज जिस तरीके से वृद्ध आश्रम के जो अधिकारी उसको उठा के ले जाते हैं और जो म्यूनसिपल विभाग के अधिकारी आते हैं जब छानबीन करने के लिए सामान उठाने के लिए तो कुछ और नज़ारा सामने आता है। ये देखिए ये चिल्लर जो है किस तरीके से पूरा का पूरा एरिया जो है किस लाखों रुपए इस वक्त जो है नज़र आ रहे हैं और तस्वीरें मैं आपको सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नौशहरा में इस वक्त यहाँ पे लोग जो हैं तमाशगीर हो चुके हैं और इतना पैसा जो है इनको यहाँ पे मिला हुआ है। तो इस वक्त की जो है बड़ी खबर मैं आपको नौशहरा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक नोटों का ढेर लगा हुआ है और ये मैं तस्वीरें आपको सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहाँ है नोटों का ढेर लगा हुआ और अभी भी जो है लाखों रुपए जो है इस क्रेट में भरे हुए हैं। आपको सामने तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दो क्रेट हैं, लाखों रुपए जो है इस क्रेट में और लिफाफों में भरे हुए हैं। पैसे आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ नौशहरा का एरिया है, ये तीसरा क्रेट भरने की कोशिश की जा रही है और ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वाकया पूरा हुआ। ये देखिए किस तरीके से सौ सौ के गड्ढे हैं यहाँ पे और पैसे देख सकते हैं किस तरीके से तमाम वो लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात भी करेंगे। सुरेश जी क्या कहेंगे, ये मामला क्या पूरा क्या कहेंगे? सर मामला ये है कि म्यूनसिपलिटी को यहाँ से ये सामान उठाने की परमिशन मिली थी, जो यहाँ से झोपड़ी में माई जी रहते थे ना उनको वृद्ध आश्रम वाले ले गए उठा के, तो म्यूनसिपलिटी को ड्यूटी मिली थी कि यहाँ से साफ सफाई करनी है। वो जब ये म्यूनसिपलिटी वाले बंदे यहाँ आए तो उन्होंने देखा ये खोलना शुरू किया लफाफे तो नोट निकलना शुरू हो गए बीच में से और ये एक क्रेट आपने दिखा दिया, एक क्रेट ये है, एक क्रेट ये भर रहे हैं, ये खेले कम से कम ये लाखों रुपए ये माई जी ने इकट्ठे कर रखे। तो बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी ये कहा कि मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे नंबर 9 ये दो क्रेट जो है 100-100 की गड्डियां और 500-500 की गड्डियां, 10-10 की गड्डियां लगातार यहाँ पे बरामद हुई है। तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लाखों रुपए इस दोनों तीनों क्रेट में भर चुके हैं और कहीं ना कहीं लोगों को सोशल डिस्टेंस करना चाहिए, लोग यहाँ से दूर होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है इस वक्त नौशहरा से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से मोमी लिफाफे में जो है लाखों रुपए इकट्ठे करके रखे हुए थे, किस तरीके से जो है आप ये तस्वीरें इस वक्त सामने देख रहे हैं। हम
इस वक्त लाइव आपको दिखाने की, पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और किस तरीके से म्युनिसिपल विभाग के जो कर्मचारी हैं और पिछले काफी देर से जो है लगे हुए हैं, ये देखिए, और इतना पैसा निकल रहा है किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। किस तरीके से एक महिला थी, बुजुर्ग महिला जो यहाँ पे सालों से यहाँ पे रहती थी, उसको जो है वृद्ध आश्रम वाले उठा के ले गए। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए और इतने इतने जो है पैसे इस वक्त कहाँ पे कैसे पहुंचे, और ये एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है। अब इस वक्त की जो है छानबीन करनी बहुत जरूरी है। और ये देखिए किस तरीके से, आपको बता दूं कि ये नोटों के ढेर किस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये पोटलियां भी पोटलियां खुलती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखिए, ये भी यहाँ पे क्रेट भरा हुआ है। मैं भाई साहब को बोलूंगा दूसरा क्रेट दिखाएंगे। ये देखिए, ये दो नंबर का क्रेट और तीसरा क्रेट अभी भरा जा रहा है। यहाँ के पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचाए और पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये चिल्लर भी है, ये देखिए, ये चिल्लरों का पूरा यहाँ पे एक थोड़ा लिफाफा भरा हुआ है। इस वक्त मैं ये तस्वीर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नौशहरा वार्ड नंबर 9, यहाँ पे आपको बता दें कि वेटनरी हॉस्पिटल के सामने है, यहाँ पे जो महिला, एक वृद्ध महिला रहती थी, पिछले कई सालों से रहती थी, वो मांग के गुजारा करती थी। हमने भी जो लॉकडाउन में उनको काफी हेल्प की है, खाना भी दी है लोगों ने। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से पोटली पर पोटली खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये एक विचलित करने वाली तस्वीर है, क्योंकि लाखों रुपए जो है इस दोनों पोटलियों से, हर पोटली से निकल रहे हैं, लेकिन कपड़े नहीं मिलेंगे आपको, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे जरूर मिलेंगे। यहाँ की हर पोटली में, हर लिफाफे में पैसे हैं। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये झोपड़ी थी, इस झोपड़ी के अंदर ये महिला रहती थी। ये तस्वीरें आपको सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीर बहुत ही आपको चौंका देगी ये तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक अमीर आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता। ये एक वृद्ध महिला थी यहाँ पे रहती, और बुजुर्ग महिला थी, वो 25-26 साल से यहाँ रह रही थी, लेकिन मांग के गुजारा करती थी, हर घर से खाना खाती थी। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जिस तरीके से म्युनिसिपल विभाग की तरफ से यहाँ पे इनका सामान उठाने गए थे, वो आज एक यहाँ पे दिखाई दिया कि ये महिला जो है इसके पास से पैसा कितना निकला है। एक गरीब थी, भिखारी थी। तो ये तस्वीर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितने पैसा है यहाँ पे। सर क्या कहेंगे, 25 साल से यहाँ रह रही थी महिला और इतना पैसा निकला है? 25-30 साल से यहाँ रह रही थी बेचारी, मांगती थी एक एक दो दो रुपए, 5-5-10-10 और लाखों रुपए इसने इकट्ठे किए, खाया कुछ नहीं है इसने, सब पैसे इकट्ठे करके यहाँ रखे हैं, और ये फिर भी मांगती थी लोग। क्या लगता है आपको कि ये पैसे इसकी मेहनत किसी मांग के लिए मांग कर की है, मेहनत की कमाई है, और यहाँ भी इसको ले गए हैं? ये पैसे उसको दिखाने चाहिए कि तुम्हारे इतने पैसे हैं, वरना इसकी जो ध्यान है वो पैसों में ही होगा, क्योंकि एक एक रुपया 10-10 रुपये 2-2 रुपये इकट्ठे करके इसने यहाँ इकट्ठे किए हैं। अब वृद्ध आश्रम वाले इसको उठा के ले गए, लेकिन उन्होंने काफी रो रही थी और उसको ये सामान साथ ले जाना चाहिए था, ठीक है ना, ताकि इसका हिसाब किताब हो और ये जो पैसा है सही कहीं वृद्ध आश्रम में खर्च हो। तो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको नौशहरा के वार्ड नंबर 9 यहाँ के वेटनरी हॉस्पिटल से दिखा रहा हूँ। लोगों का जमावड़ा देखिए किस तरीके से, लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, और ये तस्वीर आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, चौंका देने वाली तस्वीर इस वक्त मैं नौशहरा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बुजुर्ग महिला थी जो पिछले 25 साल से यहाँ पे नौशहरा में रह रही थी, और उसके आज उसको कल देर शाम उसको वृद्ध आश्रम वाले यहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद जो है म्युनिसिपल विभाग को जो है सौंपा गया था कि इसका जो है सामान उठाया जाए, लेकिन जब सामान उठाने म्युनिसिपल विभाग के कर्मचारी पहुंचे तो ये कुछ और ही नज़ारा था। 25 साल इसने भीख मांगी और 25 साल की जो पैसा था, जो बिल्कुल बेहतर होंगे, क्योंकि कोई ये चोरी का पैसा नहीं है, अपना पैसा है, मांग करके पैसा है, इससे पैसे से कौन में जमा होने चाहिए। अभी वृद्ध आश्रम वाले इसको उठा के ले गए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या इसका जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, किस तरीके से होगा यूटिलाइज होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तहसीलदार साहब आ रहे हैं मौके पे, वो एज ए म्युनिसिपलिटी के AUO साहब भी हैं, म्युनिसिपलिटी की टीम लगी हुई है पूरी, यही छानबीन कर रही है पैसे की, और इसकी पूरी इंक्वायरी होगी,
क्या करना इस पैसे का, क्या नहीं होगा, ये पूरी डिटेल बनेगी इसकी, कितना पैसा। तो ये तस्वीर है इस वक्त में आपको बड़ी खबर ये यही है कि एक 25 साल से एक बुजुर्ग महिला यहाँ पे रहती थी और आपको बता दें कि वो खाना भी कम खाती थी, लोगों से मांग मांग कर एक पाई पाई जोड़कर उसने यहाँ पे इतना पैसा गठा, लाखों रुपया यहाँ पे गठा किया है। ये तस्वीर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बड़ी तस्वीर है, क्योंकि एक ये देखिए किस तरीके से हर पोटली के अंदर से पैसों की यहाँ पे बौछार होती नजर आ रही है। और ये 25 साल की कमाई, मेहनत की कमाई, मान लो कि लोगों के घर घर जाके भीख मांगी थी उसने, और आज जिस तरीके से वृद्ध आश्रम के जो अधिकारी उसको उठा के ले जाते हैं और जो म्युनिसिपल विभाग के अधिकारी आते हैं जब छानबीन करने के लिए, सामान उठाने के लिए, तो कुछ और नज़ारा सामने आता है।